नगर निगम में एक बहुत अभूतपूर्व संकट आ गया है। पिछले 20 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके उनको नगर निगम की सत्ता देते आ रहे हैं कि बीजेपी उसको ठीक से चलाएगी, साफ सफाई के काम को, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ और बिल्डिंग वगैरह, इन सब के काम को ठीक से करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नगर निगम के काम को करने की जगह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की बुरी हालत की है, उसके चलते आज दिल्ली का नगर निगम एक ऐसे अभूतपूर्व संकट में आ गया है जैसा देश के इतिहास में कहीं कोई सरकारी संस्था आज तक नहीं आई। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी संस्था, कॉरपोरेशन, किसी सरकारी संस्था को कोर्ट को ये कहना पड़ा हो कि आपके पास में अगर कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेचिए। आज कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप अपनी संपत्ति बेच के लोगों की तनख्वाह दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि नगर निगम को चलाती, नगर निगम के काम को ठीक से करती, नगर निगम के रेवेन्यूज को इकट्ठा करती। दिल्ली सरकार ने हमेशा जितना बना उससे ज़्यादा भी दिया है। जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है, हमने उनके इंटरेस्ट और उनके लोन तक एडजस्ट नहीं किए, जबकि उससे पहले इंटरेस्ट और लोन भी एडजस्ट किए जाते थे। इस सब के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली नगर निगम की हालत ऐसी हो गई है जैसी देश की किसी संस्था की कभी नहीं हुई, कि आज नगर निगम बिकने के कगार पर है। आज तक देश में कोई नगर निगम, कोई पंचायत, कोई लोकल बॉडी इस कगार पर नहीं पहुंची कि उसको अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़े। और उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। नगर निगम का जो मूल काम है साफ सफाई, आज 20 साल में भारतीय जनता पार्टी एक वार्ड नहीं बता सकती कि इस वार्ड को हमने मॉडल वार्ड बना दिया है और ये हमने इतना साफ करके रखा हुआ है, यहां गंदगी नहीं है। 20 साल में एक वार्ड तो साफ सफाई के लिए खड़ा नहीं कर पाए और पैसा कहां जा रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही। टीचर पढ़ाएगा कैसे, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, सफाई कर्मचारी सफाई कैसे करेगा अगर उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार जो पैसा देती है वो भी पता नहीं कहां चला जाता है। लोग जो थोड़ा बहुत और टैक्स देते हैं वो भी पता नहीं कहां चला जाता है। लेकिन कुल मिला के नगर निगम के पास में आज तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की हालत ऐसी कर दी है कि आज नगर निगम को अपनी प्रॉपर्टी बेच के तनख्वाह का इंतजाम करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इतनी बुरी हालत के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले, नगर निगम को छोड़े, कहे कि हमसे नगर निगम नहीं चलाया जा रहा। और इसका सॉल्यूशन केवल एक है कि यहां पे इनको भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से नगर निगम को मुक्त किया जाए। आने वाले समय में जनता अपने आप करेगी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी ले कि हमसे नगर निगम नहीं चला। आज नगर निगम को हमने 20 साल के शासन में इस हद तक पहुंचा दिया है कि उसको अब अपनी प्रॉपर्टी बेच के तनख्वाह का इंतजाम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नगर निगम को छोड़ देना चाहिए।